बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने आपसे बात की थी कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने के बारे में कुछ अफवाहें चल रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं मार्केट में। इस पर इमरान खान साहब ने भी बात की है, इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। और ये मामला शुरू होता है जब शब्बर जैदी साहब ये कहते हैं कि एक टेक्नोक्रेट का सेटअप आ रहा है जो दो साल ढाई साल तक भी चल सकता है, और उसके लिए कुछ मुलाकातें और कोई रबते हो रहे हैं। तो रज़ा बाकर साहब आप जानते हैं, इमरान खान साहब के दौर में काम कर चुके हैं। हफीज़ शेख साहब एक टेक्नोक्रेट हैं, ये दो लोग भी, इसके अलावा और भी इकोनॉमिस्ट GHQ में जाके उन्होंने मुलाकातें की हैं। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त हो सकती है कि वाकई टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है या तैयारी की जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर जो खबरें फैली हुई हैं वो इसी नौयत की हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया जाएगा और एक टेक्नोक्रेट सेटअप भी लाया जाएगा। अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाता है दो या ढाई साल के लिए, तो PDM की जमातें उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। वो इसलिए कि PDM की जमातें ये जानती हैं कि फौरी तौर पे मुल्क में कोई भी आम इंतखाबात हुए तो उसके अंदर वो बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे और वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लिहाजा अंदर से वो खुश हो जाएंगे और वो इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर हामी भरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि NRO2 मुकम्मल हो चुका है, सबके केसेस ख़त्म हो चुके हैं और टेक्नोक्रेट्स को इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि किसका केस चलना है, किसका केस नहीं चलना, कानून क्या है, इंसाफ क्या है। वो सिर्फ चीज़ों को आदादोशुमार के अंदर तोलेंगे, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल का कोई मसला नहीं होता। पॉलिटिकल कैपिटल ये होता है कि एक सियासी जमात का एक पॉलिटिकल कैपिटल होता है, उसकी एक मकबूलियत होती है। जब वो मुश्किल फैसले कर रही होती है या ऐसे फैसले कर रही होती है जो बज़ाहिर अवाम के अंदर पजीराई नहीं पा रहे होते, मिसाल के तौर पे उनको ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ें, उनको ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ानी पड़ें, उन्हें अवाम के लिए कुछ मुश्किलात पैदा करनी पड़ें मुल्क की इकॉनमी को संभालने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में उनका पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया होता है, यानी लोगों में उनकी मकबूलियत कम होती है। मिसाल के तौर पे फजल रहमान हो गए, जरदारी हो गए या शहबाज शरीफ वगैरह, नवाज शरीफ, ये लोग तो लोगों में पहले भी इतने मकबूल नहीं थे, लेकिन जब ये इक्तदार में आए तो इन्होंने कहा जी हम मुश्किल फ़ैसले करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इनका साथ दिया और इन्होंने महंगाई को 3 गुना कर दिया। इन्होंने जो 1100 रुपये वाला आटे का थैला था जिस पर पाकिस्तान का मीडिया अपने सर में खाक उड़ा के सड़कों पर दीवानावार माइक लेकर भागता था और लोगों से पूछता था कि बताओ बताओ आटा कितना महंगा हो गया, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बल्कि मीडिया मजबूर करता था लोगों को कि आटे की थैली 1100 रुपये की है, लोगों खुदकुशियां क्यों नहीं कर रहे लोग। ये मीडिया की हालत हो गई थी दीवानों जैसी। और अब वही आटे की थैली 2500 रुपये की है तो उसके ऊपर मीडिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो मीडिया ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया, PDM को। इसके बावजूद जो मुश्किल फैसले उन्होंने किए उनकी तो बिल्कुल ही मट्टी पलीत हो गई, उनके पल्ले कुछ नहीं बचा और वो इलेक्शन में अब जा नहीं सकते। अब एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि और मुश्किल फैसले करने चाहिए, तो इनका तो पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म ही हो गया, कुछ होगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर करेंगे ना। तो इमरान खान साहब के पास पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट या टेक्नोक्रेट्स के बहकावे में नहीं आने वाले। अब अगर उनको हुकूमत मिलेगी तो वो हुकूमत नहीं लेंगे। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा कि इमरान खान साहब हुकूमत लेने में अब संजीदा नहीं है, वो इक्तदार लेने में संजीदा है कि अगर वो हुकूमत में आए तो इक्तदार भी उनके पास हो और वो अपने मुल्क के फैसले खुद अपनी काबीना के साथ आज़ादी से बैठकर कर रहे हों, ये वो चाहते हैं। इनपुट तो सबसे लेनी चाहिए, वो लेंगे भी, लेकिन अगर उनको इक्तदार मिलता है तो अब वो बेबसी वाला इक्तदार नहीं होगा, वो एहतसाब भी करेंगे। तो PDM की जमातें चाहती हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप ही आ जाए और कोई एमरजेंसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी हुकूमत बेशक ना रहे, इमरान खान की हुकूमत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसकी हुकूमत आ गई तो वो वापस लेकर जाएगा, रिवर्स करेगा। क्योंकि इमरान खान का ये फ़लसफ़ा है कि मैं करप्शन का, लूटमार का पैसा बरामद करूंगा तो मेरा मुल्क आगे चलेगा। उनका ये फ़लसफ़ा है कि जब तक मैं बड़े चोरों को सज़ा नहीं दूंगा पाकिस्तान में चोरी बंद नहीं होगी और करप्शन ख़त्म नहीं होगी। अब अगर ये टेक्नोक्रेट वाला जो सेटअप है जिसके लिए कुछ रबते हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जा रही है, अगर तो ये कट्टा ऐसे ही खुल गया तो फिर अभी तक पाकिस्तान की आवाम ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म तो अभी शुरू होगी, जिसको असल में आप महंगाई की फिल्म कहते हैं। फिर IMF होगा और पाकिस्तान के टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होगी और वो आवाम की वो दुर्गत बनाएंगे कि लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस जाएंगे, लोग भूल जाएंगे कि बिजली किस चीज़ का नाम है,
गैस किस बला को कहते हैं। लोगों को याद नहीं रहेगा कि हफ्ते के अंदर छुट्टी के दिन वो कोई इंजॉय भी किया करते थे। तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो जाएंगी कि टेक्नोक्रेट्स सबको उल्टा पुल्टा के रख देंगे। लेकिन उस वक्त अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो याद रखिएगा कि चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट है चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, लोग उनको भी आराम से नहीं रहने देंगे। यानी जब लोगों से लोगों का सब कुछ छिन जाएगा तो लोग कहेंगे कुर्बानी अब आप भी दीजिए। यानी कुर्बानी वो लोग कैसे देंगे, अभी थोड़े दिन पहले गोल्फ का एक मैच हो रहा था और करोड़ों रुपए उस एक मैच के अंदर खर्च कर दिए गए चंद लोगों को खुश करने के लिए या किसी बहुत ताकतवर आदमी को खुश करने के लिए। करोड़ों रुपए एक मैच के अंदर खर्च कर दिए गए, 5-star होटल से खाना गया है सिर्फ इसलिए कि वहां मेहमान बड़े VIP थे। तो वो लोग कैसे अपनी ये मौज मस्ती और ये सारी चीजें छोड़ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट कैसे छोड़ सकते हैं, सियासतदान कैसे छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए और पाकिस्तान के आईन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है टेक्नोक्रेट्स को लाने की या कोई इस तरह का तजुर्बा करने की, तो पाकिस्तान के आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये तो होता हुआ अगर करने की कोशिश भी की गई तो ये ठहरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी है, मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बात बताई और मुझे लगता है कि उसकी बात में दम है। उसने कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चेक करना चाहती है कि मौजूदा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे कैसे निकला जाए, और इसके लिए वो मीटिंग्स की गई हैं और इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने के लिए जो मईशतदान हैं उनको बुलवाया गया है। यानी जो इसहाक डार साहब ब्रीफिंग्स दे रहे हैं उनका तो ना सर है ना पाँव है, इससे पहले जो जनरल बाजवा साहब बातें करके गए हैं उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही। अगर वो इतने अकलमंद थे तो मुल्क का ये बेड़ा गर्क तो ना होता। तो ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, लोगों की तनख्वाहें अब नहीं दी जा सकती, तो ऐसे में इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने की कोशिश की जा रही है कि गलती कहाँ पे हुई और गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है। यानी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दिए जाएं और आम इंतखाबात के नतीजे में एक नई हुकूमत बन जाए तो क्या पाकिस्तान इस वक्त आम इंतखाबात का बोझ और उसके बाद बनने वाली नई हुकूमत इन हालात से पाकिस्तान को निकाल पाएगी, और कौन से बड़े इकदाम आते हैं जो करने पड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसे ये लगता है अभी भी कि मुल्क की सबसे ज़्यादा फिक्र उन्हें है, और उन्हें अभी भी ये लगता है कि उनके अलावा मुल्क में कोई और समझदार नहीं है या किसी और के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ना कोई इस मुल्क को बचाने के लिए उतना संजीदा है जितने यूनिफाइड और संजीदा वो हैं। ये उनकी अपनी एक सोच है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो ये सारी चीज़ों की तैयारियाँ करते रहते हैं। और वो जो वाहिद पाकिस्तान के अंदर थिंक टैंक्स मौजूद हैं वो फौज के पास ही हैं। प्राइवेट सतह के ऊपर तो थिंक टैंक्स बन ही नहीं सके, बन भी नहीं सके। पाकिस्तान की कौम को आदत ही नहीं डाली गई ऐसी, और सारी चीज़ें जो हैं वो महदूद जगह पे महदूद हाथों के अंदर जो है वो मौजूद रहीं। अब मामला ये है कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले इस चीज़ को चेक किया जा रहा है कि इकॉनमी के साथ क्या करना होगा और हमें किस तरह के हालात का सामना है, क्या एक नया तजुर्बा किया जा रहा है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, जो भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान को संभालने की जिम्मेदारी उठाए और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये फैसला करे कि वो अपना दबाव नहीं डालेंगे और सियासतदानों को उनका काम करने देंगे। या दूसरा तरीका ये है कि वो फिर दबाव डालें और एक टेक्नोक्रेट हुकूमत लेकर आएँ और उससे वो तमाम चीज़ें करवाएं जो उनको लगता है जिससे पाकिस्तान ठीक हो सकता है। लेकिन वो ये ज़रूर कर रहे हैं कि मुलाकातें कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सोर्सेज ने कन्फर्म किया है कि GHQ में मुलाकातें हो रही हैं इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं जो मईशत को समझते हैं उनके साथ। लेट्स सी इसमें से निकलता क्या है। इमरान खान साहब ने, फवाद चौधरी ने और बाकी लोगों ने इस्लामाबाद के जो ख़बरें गर्म रखने वाले बाजार हैं वहाँ पर तो मुख्तलिफ किस्म की बातें आ रही हैं, लेकिन जब भी कोई फैसला होने लगेगा चीज़ें सामने आएंगी कि माशी एमरजेंसी लगाई जा रही है, क्या टेक्नोक्रेट्स को लाया जा रहा है, तो इमरान खान के अलावा तो ये सबको काबिले कबूल होगा और इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और ये टेक्नोक्रेट टिक नहीं पाएंगे। ये बेचारे कमज़ोर से लोग होते हैं, कितनी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनको सहारा दे ये भाग जाएंगे। तुर्की के दानिश्वरों से इमरान खान साहब ने खिताब किया, बातें तो बहुत सारी की हैं उनके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को वहाँ पर तुर्किश मीडिया जो है वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब करता रहा है। शहबाज शरीफ साहब के लिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो बार बार तुर्की गए हैं,
जब से वज़ीर आज़म बने हैं बार बार तुर्की गए हैं, अपने बेटे को भी साथ लेकर गए हैं जिसका वहाँ पर बड़ा कारोबारी इंटरेस्ट भी रहा है माजी में, और इसके बावजूद तुर्की का जो मीडिया है वो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं समझता, वो इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म समझता है और उनको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब कर रहा है। तो डूब मरने का मुकाम है पीडीएम की हुकूमत के लिए कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाया जिसको तुर्किश मीडिया अभी तक वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं है, वो इमरान खान साहब को ही मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब कर रहे हैं। उधर बिलावल अजीब अजीब बातें करना शुरू हो गए हैं। बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात वक्त पर हुए तो इमरान खान साहब के जो इदारों में सहूलतकार मौजूद हैं, जो बाकी रह गए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, इनका एलिगेशन था जनरल फैज़ हमीद पे कि जनरल फैज़ हमीद सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को। पहले ये जनरल बाजवा पे भी इल्ज़ाम लगाते थे, फिर उसके बाद फैज़ हमीद तब्दील हो गए, फिर भी ये इल्ज़ाम लगाते रहे। जनरल बाजवा इनकी आँख के तारे बन गए। उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ इन सब ने मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। बिलावल कहते हैं कि किसी और पे इल्ज़ाम मत लगाओ कि अमेरिका को इमरान खान पसंद नहीं थे या जनरल बाजवा ने कुछ किया था। इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा हम ज़्यादा ये समझते रहे कि अमेरिका डायरेक्टली ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब समझ आ रही है कि बाकायदा लॉबिंग की जा रही थी अमेरिका के अंदर हुसैन अकानी के ज़रिए से कि इमरान खान के बारे में बताया जाए कि वो गलत आदमी है और जनरल बाजवा के बारे में बताया जाए कि वो अच्छा आदमी है। यानी मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ ये बात, और ये लॉबिंग के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे कर रही थी और इमरान खान साहब की मालूमात से इस सारी चीज को बाहर रखा गया था। अब ये एक बड़ा सीरियस इशू है और इमरान खान साहब का बड़ा सीरियस ना सिर्फ ये एलिगेशन है बल्कि इसके फैक्ट्स मौजूद हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। कल अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो उम्मीद है कि इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। अब बिलावल कह रहे हैं कोई और सहूलतकार रह गए हैं, तो पता नहीं कौन से सहूलतकार हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान के सहूलतकार इस वक्त अवाम है और अवाम इमरान खान को सहूलतकारी कर रहे हैं। जहां जहां भी इलेक्शन होता है इमरान खान जीत जाता है और बिलावल इलेक्शन हार जाता है, तो दैट इज़ वाई बिलावल को यह लगता है कि इमरान खान के सहूलतकार बाकी हैं और अगर इलेक्शन वक्त पे हुआ तो ये सहूलतकार ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सहूलतकार दुगने हो जाएंगे अगर आप इलेक्शन को डिले करते जाएंगे, क्योंकि आपके वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों को जीने के काबिल नहीं छोड़ा। यानी निशात चूनिया मिल है, ये बहुत बड़ी टेक्सटाइल का काम करते हैं, इन्होंने भी अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद कर दिया। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनके बहुत करीबी दोस्त हैं, तो उन्होंने भी अपने यूनिट के बहुत बड़े हिस्से बंद कर दिए हैं। तो हर रोज एक बुरी खबर है, सुजुकी बंद, टोयोटा बंद, बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रोडक्शंस खत्म कर दी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से लपेट के वापस जा रही हैं, जो मोबाइल फोन टेलीफोन कंपनियां हैं वो भी जान छुड़वा रही हैं कि हम निकले यहां से, सर्विस का मियार बिल्कुल गिर चुका है। तो एक अच्छे खासे मुल्क को जो चल रहा था, जिसकी तमाम चीज़ें पॉजिटिव जा रही थी, वो सारी नेगेटिव में कर दी हैं। हालात ये है कि 2020-21 में पाकिस्तान को बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया जा रहा था, यानी दुनिया के मुल्कों में पाकिस्तान को करार दिया जा रहा था कि ये सियाहत के लिए बेहतरीन एक मंजिल हो सकती है, दुनिया भर के सयाह पाकिस्तान जाएं। ऐसे ज़बरदस्त हालात थे इमरान खान के दौर में 2020 में 21 में, कोविड था इसके बावजूद ये जारी किया गया था। और अब ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने और दीगर मुल्कों ने अपने शहरियों को तंबीह की है, उन्हें वार्न किया है कि वो रश वाले मुकाम पर ना जाएं, होटल्स के अंदर ना जाएं और एहतियात करें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। तो ये सारा कुछ हमारे सामने देखते देखते ही हो गया है। पाक फौज के हवाले से एक खबर है और ये बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर छपी है, उन्होंने अपने सोर्सेज से इसको छापा है। वो कहते हैं कि फौज अपने इमेज को बेहतर करने के लिए ISPR को असर नौ तश्कील करेगी, नए सिरे से ISPR को जो है वो सेट किया जाएगा। मेरे ख्याल में चंद लोग ऐसे ISPR में मौजूद हैं जिन लोगों से अगर थोड़ा सा उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या उनसे जान छुड़ाई जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया को गालम गलोच भी की, बदतमीजी भी की, ज्यादती भी की, मीडिया के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स भी बनाई और पाकिस्तान के मीडिया के साथ एक दुश्मनी पाली है लगातार। बिजनेस रिकॉर्डर को ज़राए ने बताया कि पाक फौज की कमान में तब्दीली के बाद सीनियर फौजी एहलकारों की तवज्जो इदारे के इमेज को बेहतर बनाने और मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लानत से कैसे निपटा जाए इसके ऊपर है। ज़राए के मुताबिक 29 नवंबर को कमान की तब्दीली के बाद अब पूरी तवज्जो इमेज बेहतर बनाने, दहशतगर्दी से मुतालिक बढ़ते हुए वाकयात से निपटने और सियासत में इदारे के मुबैना किरदार के खिलाफ है। क़यादत ने मुबैना तौर पर मुतालिका हलकों से अपने इदारे का इमेज बेहतर करने के बारे में तजावीज़ भी तलब की हैं। वैसे मेरे से तजवीज़ तो कोई नहीं तलब की, लेकिन दो तीन तजावीज़ मैं दे सकता हूँ।
अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ये कर लें तो इदारे का इमेज जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इदारा सिर्फ अपने मामलात के बारे में बात करे, ना इकॉनमी पे बात करने की ज़रूरत है, ना सियासत पे बात करने की ज़रूरत है। सियासी मामलात में मुदाखलत बंद कर दें, फैसला कर दें कि सियासतदानों से हमने मिलना ही नहीं है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी वो हमें बुलाएंगे तो हम जाकर वो ड्यूटी करेंगे जिसके लिए वो बुला रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो आईन के अंदर इनका रोल है ना पाकिस्तान की फ़ौज का, अगर एग्जैक्टली उसी रोल को फॉलो करें ना और कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी ना करें तो ना कोई ISPR को गाने बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, नगमे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई बहुत सारे विजुअल और तस्वीरें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मीडिया के साथ ज़्यादा लंबी लंबी नशस्तें करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मीडिया के अंदर अपने बंदे इंडक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सबको सबके हाल पे छोड़ दें जैसे पूरी दुनिया के अंदर है। आप देखें कैसे आपकी इज्जत में इजाफा होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।